हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल वीफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास ये सैमसंग का 55 इंच का एंड्रॉयड टीवी है, तो इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, टिकॉन बोर्ड कैसे लगा है, कैसे सब कुछ वर्क करेगा, उसके टेस्ट पॉइंट के ऊपर क्या क्या रीडिंग है, पल्स कैसे दिखेगी, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अलग अलग डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये इसका SMPS है, ओके। यहाँ से बैकलाइट का पूरा दिया है, यहाँ से जो बैकलाइट की स्ट्रिप वगैरह है वो कंट्रोल होगी, यहाँ से मदरबोर्ड को पावर दिया है, ओके। ये इसका मदरबोर्ड है, एंड्रॉयड टीवी है ये। यहाँ से ये 51 पिन का LVDS कनेक्टर लगा है, ये LVDS कनेक्टर के थ्रू जो डेटा आएगा वो ये टिकॉन बोर्ड में आएगा। यहाँ से आप देख सकते हो ये सारी इसकी पेर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। ये इसका टिकॉन प्रोसेसर है जो कि इसमें BGA IC लगी है, ओके। इतना सेक्शन, ये सारी कोयले लगी है, ये इसका बूस्ट सेक्शन है, ये दोनों FFC कनेक्टर है, ये दोनों FFC कनेक्टर के थ्रू यहाँ से राइट PCB और लेफ्ट PCB दोनों साइड से जो डेटा है वो सारा सप्लाई होगा। एक PCB में आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 XCOF लगी है लेफ्ट साइड पे, ओके। यहाँ पे दूसरी 6 XCOF लगी है, ओके। अब इसका जो टिकॉन का टेस्ट पॉइंट वगैरह है उसके बारे में हम इन डिटेल में चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका पूरा टिकॉन है, तो एक बार मैं सेट चालू करके आपको दिखा देता हूँ कि सारे टेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर क्या क्या वोल्टेज है, कैसे कैसे सिग्नल जनरेट होते हैं, ओके। ये अभी मैंने सेट को ऑन कर दिया है। अभी ये जो पूरा सेक्शन है, कोयले वगैरह लगी है, डायोड वगैरह लगे हैं, वो इसका बूस्ट सेक्शन है। तो इसका जो वोल्टेज वगैरह का जो टेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर स्विचिंग कैसे दिखेगा, कितना आउटपुट है, कैसे जनरेट होगा, वो सब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ओके। सबसे पहले ये कोयल और ये डायोड इसका चेक कर लेते हैं। ये कोयल और ये डायोड से 3.3 वोल्ट जनरेट हो गए, जिसको हम जनरली बक कन्वर्टर बोलते हैं। बक कन्वर्टर के थ्रू 12 वोल्ट से 3.3 वोल्ट जनरेट हो गए। डायोड का ये सिरा जो है, ये सिरा और कोयल का ये साइड का सिरा, वो दोनों आपस में शॉर्ट है। और ये जो बूस्ट IC है जो जनरली स्विचिंग प्रोवाइड करने का काम करती है, इसकी 36 और 37 नंबर की पिन है, वहाँ से इसको स्विचिंग मिलेगा ये डायोड के वन एंड पे और कोयल के वन एंड पे, ओके। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों शॉर्ट है आपस में, तो यहाँ पे मैं प्रोब टच करूँगा तो उसका स्विचिंग दिखाएगा। आप DSO के ऊपर चेक कर सकते हैं। अभी ये जो स्विचिंग दिखाई दे रहा है वो 3.3 वोल्ट का स्विचिंग है, ओके। सेम वैसे ही ये और एक कोयल लगी है, ये कोयल और ये डायोड, ये दोनों को मिला के 1.8 वोल्ट जनरेट किया है। कोयल का जो ये सिरा है, ये ऊपर वाला सिरा, और डायोड का ये साइड, ये दोनों आपस में शॉर्ट है। और ये दोनों को 33 नंबर की पिन है जो बूस्ट IC की, यहाँ से उसको स्विचिंग मिलेगा, ओके। तो इसका स्विचिंग भी मैं आपको एक बार DSO के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो स्विचिंग दिखाई दे रहा है वो 1.8 वोल्ट का स्विचिंग है, ओके। तो ये कोयल का दूसरा सिरा है, वहाँ से 1.8 वोल्ट जनरेट हो गए। इसका वोल्टेज भी दोनों का एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट भी दिया है डायोड के पास में ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर 1.84 वोल्ट दिखाई दे रहा है, जिसको हम रैम वोल्टेज भी बोलते हैं, ओके। सेम इसका आउटपुट है 3.3, वो आपको कोयल के ये सिरे पे दिखेगा, ओके। 3.3 वोल्ट है उसका आउटपुट, आप देख सकते हो 3.45 वोल्ट दिखाई दे रहा है, ओके। वैसे ही हम दूसरा कोयल के ऊपर चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोयल दिया है और यहाँ पे डायोड दिया है, इन दोनों को मिला के 0.5 AVDD जनरेट होगा, ओके। इसमें डायोड का जो ये सिरा है वो ग्राउंड किया हुआ है, और डायोड का ये साइड है, ये साइड, और कोयल का ये साइड, वो दोनों आपस में शॉर्ट है, और उन दोनों के ऊपर स्विचिंग आ रहा है। इसका बूस्ट IC का पिन नंबर 13 है, वहाँ से इसको स्विचिंग मिल रहा है। तो एक बार मैं आपको इसका भी स्विचिंग दिखा देता हूँ DSO के ऊपर, कि उसकी जो पल्स है वो कैसे दिखेगी। ये अभी ये जो आप पल्स देख रहे हो वो 0.5 AVDD की पल्स है, ओके। सेम यहाँ पे एक दूसरा कोयल दिया हुआ है,
इसमें यहाँ पे जो ये सिरा दिया है वहाँ पे इसको स्विचिंग मिल रहा है, इसको स्विचिंग ये आईसी प्रोवाइड कर रही है। ये जनरली इसमें टेस्ट पोर्ट दिया है डीवीडीडी का, और इसका जो आउटपुट है वो तकरीबन 1.17 वोल्ट के आसपास दिखाई दे रहा है। वो भी मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, पहले इसका स्विचिंग देख लेते हैं डीएसओ के ऊपर। आप देख सकते हैं ये इसकी पल्स है, डीवीडीडी वोल्टेज जो दिया है 1.17 वोल्ट। ओके, इसका आउटपुट भी एक बार देख लेते हैं। इसका आउटपुट कोयल के ये साइड पे मिलेगा, दूसरी साइड पे वो भी 1.16 1.17 के आसपास दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे ये दूसरा कोयल दिया है, ये कोयल और ये डायोड, ये दोनों मिला के एवीडीडी वोल्टेज जनरेट हो गए। तो सबसे पहले मैं इसका स्विचिंग पल्स दिखा देता हूँ आपको कि स्विचिंग पल्स है वो कैसे दिखेगा। ओके, डायोड का ये सिरा और कोयल का ये सिरा, वो दोनों आपस में शॉर्ट है, तो उसके ऊपर पहले स्विचिंग चेक कर लेते हैं। ये जो भी आप पल्स देख रहे हो डीएसओ के ऊपर वो एवीडीडी का स्विचिंग है। ओके, और जो एवीडीडी आउटपुट है वो डायोड के दूसरे सिरे पे मिल जाएगा। यहाँ पे डायोड का जो नीचे का सिरा है यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, ये अभी 70.68 वोल्ट दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये एवीडीडी जनरेशन हो गया। ये दोनों को स्विचिंग है वो ये बूस्ट आईसी की 15 नंबर की और 16 नंबर की पिन से मिलेगा। ओके, ये पूरा बूस्ट सेक्शन हो गया। इसमें अभी यहाँ पे आप चेक करोगे, इसमें यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट दिया है जो वी ऑन का टेस्ट पॉइंट है, तो सबसे पहले तो उसको चेक कर लेते हैं कि वो कैसे जनरेट होगा। ओके, पहले उसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं वी ऑन के। यहाँ पे आप देख सकते हो 13.94 वोल्ट के आसपास दिखाई दे रहा है। ओके, इसमें यहाँ पे एक फ्लाइंग कैपेसिटर दिया है ये वाला, इसका जो एक पिन है यहाँ पे एक ड्यूअल डायोड दिया है, ड्यूअल डायोड और ये दोनों मिला के VG8 जनरेट हो गए। इसका भी हमने जो ऑनलाइन लेक्चर है उसमें बहुत इन डिटेल में दिखाया कि ये दोनों की पेयर है वो कैसे काम करेगी। इसको पॉजिटिव चार्ज पंप और नेगेटिव चार्ज पंप बोलते हैं अगर VGH VGL जनरेट करना है। ओके, तो ये फ्लाइंग कैपेसिटर है उसका ये साइड का सिरा है, अभी आप देख सकते हो ये VGH का स्विचिंग है जिसको हम जनरली ड्राइव पॉजिटिव भी बोलते हैं। ओके, सेम वैसे ही आपको एक बार VGL वोल्टेज है उसका भी फ्लाइंग कैपेसिटर और उसका स्विचिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेस्ट पॉइंट दिया है VGL का। ओके, यहाँ पे VGL लिखा है, इसके टेस्ट पॉइंट के ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं -7.82 वोल्ट के आसपास दिखाई दे रहा है। अब इसका फ्लाइंग कैपेसिटर है उसके ऊपर हम एक बार स्विचिंग चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका फ्लाइंग कैपेसिटर है, इसका भी मैं आपको एक बार पल्स चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डीएसओ के ऊपर चेक कर सकते हैं, ये इसका स्विचिंग पल्स दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये VGL भी जनरेट हो गया। तो इस तरह से जो पूरा बूस्ट सेक्शन है वो ऐसे काम करेगा। अभी एक ओवरऑल जो LVDS कनेक्टर है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि वो कैसे काम करेगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसका LVDS कनेक्टर है, इसका भी हमने डेटा निकाला हुआ है, एक बार मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये 51 पिन का कनेक्टर है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग का पिन है उसमें 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक की पिन है, वो पूरी VCC है, जो PVDD वोल्टेज बोलते हैं हम, पैनल सप्लाई वोल्टेज, उसके लिए है। इसमें दूसरी कौन सी पेर दी हुई है, दूसरी कौन सी पिन दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी पेर के ट्रैक है जिसको हम LVDS डेटा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 8 पेर दिया हुआ है। ओके, दूसरा जो LVDS कनेक्टर है उससे क्या क्या आएगा, उसमें जनरली 3.3 वोल्ट रहता है और बहुत सारी NC की और ग्राउंड की पिन है इसमें। अब मैं इसका जो FFC कनेक्टर है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितनी पिन लगी है उसके बारे में दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या वोल्टेज वगैरह है, क्या क्या सिग्नल वगैरह है उसके बारे में एक बार दिखा देता हूँ। ये लेफ्ट साइड का LVDS कनेक्टर है। ओके, इसमें स्टार्टिंग यहाँ पे थोड़ी AVDD की पिन दी हुई है, ये एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। AVDD वोल्टेज है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये 7.4 वोल्ट दिखाई दे रहा है। ओके, ये तकरीबन हाफ AVDD है। ओके, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें जो सिग्नल वगैरह है वो एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। DSO के ऊपर OES TV के सिग्नल है उसमें किस प्रकार से जनरेट होते हैं।
सबसे पहले इसमें जो यहाँ पे टेस्टमर दिया है वो एसटीवी का है, तो एसटीवी का हम सिग्नल एक बार चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो एसटीवी की पल्स दिखाई दे रही है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, ये इसकी एसटीवी की पल्स है। यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे जो तीसरा टेस्ट पॉइंट दिया है ओई का टेस्ट पॉइंट है, तो ये सारी ओई की पल्स है, वो भी आप डीएसओ के ऊपर देख सकते हैं। ओके, और बाकी ये सारे वोल्टेज है जो वीजीएच वीजीएल है। यहाँ पे एक नीचे टेस्ट पॉइंट सीपीवी का दिया है, ये आप देख सकते हो ये सीपीवी की पल्स है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो पूरा वोल्टेज सेक्शन है वो ऐसे काम करेगा। तो ये हमने ये टीवी सेट के बारे में पूरा देख लिया। इसके अंदर यहाँ पे पूरी सारी एक्सकोप लगी है। ओके, इसमें टोटल 6 एक्सकोप लगी है। इसमें आप सोचोगे कि इसमें कुछ गामा सेक्शन का नहीं दिया है, और इसमें थोड़ा डिज़ाइन भी अलग है। जैसे यहाँ पे आप टेस्ट पॉइंट के ऊपर, मैं एक बार आपको टेस्ट पॉइंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सारे टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो ये दिया है ये वीजीएम है, ये गामा का टेस्ट पॉइंट है। ओके, इसमें एक डिज़ाइन चेंज ऐसा है कि जनरली सारी कोप में हर एक जो एलवीडीएस डेटा में से आरएसडीएस डेटा में कन्वर्ट हुआ है वो सारे ट्रैक सप्लाई हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो टीकॉन बोर्ड के ऊपर एलवीडीएस डेटा के ट्रैक है, यहाँ पे टोटल 6 पेयर दिया है। ओके, और ये जनरली ऐसा होना चाहिए कि 6 पेयर है वो सभी 6 पेयर हर एक कोप आईसी के अंदर जानी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा डिज़ाइन अलग है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 2 टेस्ट पॉइंट दिया है आरएसडीएस डेटा के लिए। दूसरी आईसी में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिया है। ओके, एक नंबर की आईसी है उसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ओ एस टी वी के टेस्ट पॉइंट है, ये डीवीडीडी का हो गया, वीजीएच का हो गया। ओके, यहाँ पे जो 2 टेस्ट पॉइंट है वो आरएसडीएस डेटा के लिए है, मतलब इसमें जो आरएसडीएस डेटा के 2 ट्रैक है, पहले 2 ट्रैक है वो एक कोप आईसी में अंदर, एक कोप आईसी के अंदर जाएंगे। दूसरे जो एलवीडीएस डेटा के ट्रैक है वो दूसरी एक कोप आईसी है इसके अंदर जाएगा। ओके, आरएसडीएस डेटा के दो दो ट्रैक हर एक कोप के लिए इंडिविजुअल इसमें दिया हुआ है जनरली, वरना ऐसे रहता है कि जितने भी आरएसडीएस डेटा के ट्रैक है वो सारी कोप आईसी में हर एक ट्रैक जाएंगे। इसकी बजाय इसमें जो दो दो ट्रैक अलग अलग आईसी के लिए डेडिकेटेड दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से टोटल 12 कोप लगी है। इसमें वीजीएच वीजीएल है वो आपने देखा कि जो ये कोफ आईसी है, यहाँ पे कोफ आईसी है वहाँ पे टेस्ट पॉइंट थे, उसका मतलब आपको पैनल को बिना देखे ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर वीजीएच वीजीएल यहाँ से गए, उसके मतलब इसमें डेफिनेटली साइड कोफ होनी चाहिए। तो इस तरह से आप मतलब टीवी सेट को बिना ओपन किए भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर साइड कोफ है कि नहीं। ओके, तो ये पूरा जो हमने आज देखा, ये सैमसंग का 55 इंच का टीवी है, ये 4K पैनल लगी है इसके अंदर। ओके, इस तरह के जो केस स्टडी है वो हमने ऑनलाइन लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप ऑलरेडी इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं और आप अपना नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अपना नॉलेज एनहेंस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे आपको जो इन फ्यूचर रिपेयरिंग में आने वाले टीवी है उसमें रिपेयरिंग में, ट्रबल शूटिंग में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपने जनरली देखा है कि जितने भी हमने टोटल वीडियो डाले उसमें एक सिस्टम है, उस हिसाब से ही हर एक टीवी ऑपरेट होगा, चाहे वो फुल एचडी पैनल हो, एचडी रेडी पैनल हो, 4K पैनल हो, और चाहे 8K पैनल हो। अगर 8K पैनल है तो उसमें भी सेम फंक्शन से ही वो पैनल और वो टीकॉन बोर्ड है या तो पीसीबी है वो ऐसे ही काम करेगा। ओके, तो इस तरह से ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कोई ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास के बारे में, तो यहाँ पे मैं नीचे एक नंबर डाल दिया है, उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।